ज्ञान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सदगु लोक उजागर जय। ये रहे मेरे महादेव के लिए नवीन पुष्प, ये रहे महादेव के लिए बेलपत्र। अरे बेलपत्र की पोटली कहाँ गई? प्रतीत होता है कहीं गिर गई। अब बिना बेलपत्रों के महादेव की पूजा कैसे संपन्न होगी? तो ये बालक उन्हीं यदु का वंशज है। हाँ विप्रवान, यदुवंशी है ये। निर्धन है, अपनी विधवा माता के साथ रहता है। पिता की मृत्यु के पश्चात उसके स्वजनों ने उन्हें घर से निकाल दिया। तब से यहीं इस वन में ये कुटिया बनाकर रहते हैं। ये तो बड़ा ही अन्याय हुआ है इनके साथ। हाँ विप्रवर, और विडंबना देखिए, इस बालक की माता का मानना है कि भक्ति से उदर पोषण नहीं होता, जबकि पुत्र का मानना है कि भक्ति से उदर ही नहीं आत्मा भी तृप्त रहती है। इसीलिए ये अपनी माता से छिपकर शिव भक्ति में तल्लीन रहता है। प्रणाम। प्रणाम। यदि इस बालक की भक्ति में इतनी निष्ठा है तो मुझे ये बेलपत्र उसे देने जाना ही होगा, अन्यथा उस नन्हे भक्त को पुनः बेलपत्र लाने के लिए श्रम करना होगा। प्रातः हुई नहीं और तुम फिर पूजा पाठ में बैठ गए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे जीवन में कोई और अन्य काम हो ही नहीं। बालक की माता कुपित है बालक की पूजा से। कितनी बार समझाया है तुम्हें, कितनी बार समझाया है, पूजा पाठ करने से उदर नहीं भरता, जीवन ऐसे नहीं चलता। तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात एकमात्र तुम ही मेरा सहारा हो, और तुम हो कि दिन रात्रि इस पूजा पाठ में व्यर्थ ही अपना समय नष्ट करते रहते हो। व्यर्थ नहीं है माँ, भगवान शिव जी की भक्ति कर रहा हूँ मैं। हमारे राजा चित्रसेन जी को भी देखिए ना, कितने बड़े शिव भक्त हैं। उन्हें देखकर ही तो मैं भक्ति के लिए प्रेरित हुआ हूँ। वो राजा है पुत्र, वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम नहीं। तुम्हारी उम्र नहीं है भक्ति करने की, ये पूजा पाठ करने की। जैसे तैसे मेहनत करके मैं दो समय की रोटी जुटा पाती हूँ। बंद करो ये पूजा पाठ और चल कर मेरा काम में हाथ बटाओ। माँ शिव जी पर विश्वास रखिए, उनकी महिमा अपरंपार है, वही सारे कष्ट हरेंगे। मेरे साथ आप भी ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए माँ। रुको, अच्छी प्रकार से तुम्हें ओम नमः शिवाय का जाप कराती हूँ अभी। अच्छा है माँ, आपने भले ही कुपित होकर बोला, किंतु ओम नमः शिवाय तो कहा। प्रभु का नाम बड़ा कल्याणकारी है, किसी भी दशा में बोलो मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल बोल कर मुझे सता रहे हो ना तुम, पाप लगेगा तुम्हें। नहीं माँ, पुण्य मिलेगा, आपने बार बार ओम नमः शिवाय बोला है, अब तो वे अवश्य किसी न किसी रूप में हमारे कष्ट हरने आएंगे। अद्भुत निष्ठा है इस बालक की प्रभु महादेव के प्रति। ओम नमः शिवाय बोलने से उदर की भूख शांत नहीं होती। बंद करो ये पूजा पाठ। रुक, ये शिवलिंग ही सारे कष्टों की जड़ है, ना ये यहाँ रहेगा ना ही तेरा ध्यान भटकेगा। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, मेरे प्रभु को मुझसे विलग मत कीजिए माँ, उनकी भक्ति ही मेरा जीवन है। नहीं, आज मैं इस शिवलिंग को कुएं में डाल दूंगी जिससे तुम पुनः इसे दोबारा निकाल ना सको। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, इन्हें वापस रख दीजिए माँ। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं माँ, इन्हें वापस रख दीजिए माँ। नहीं नहीं महादेव। भगवान शिव जी, आप, मुझे विश्वास था कि मेरे महादेव किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे,
अपने इस नन्हे भक्त की भक्ति को नहीं मिटने देंगे, है ना प्रभु? नहीं पुत्र, मैं भगवान शिव नहीं हूँ। हाँ, उनका एक छोटा शिवात्मज अंश अवश्य हूँ, जैसे संसार के समस्त जीव उन्हीं के अंश हैं। किंतु आपको अवश्य मेरे प्रभु ने भेजा होगा मेरे लिए, तभी तो आपने मेरे प्रभु को मुझसे दूर नहीं जाने दिया। माता, जिन महादेव की पूजा से मनुष्य इस संसार के बंधन रूपी कुएं से बाहर निकल आते हैं, आप उन्हें ही कुएं में डालने जा रही थीं? ये ज्ञान की बातें रहने दीजिए साधु महाराज। इतनी कठिनाई से दो समय की रोटी जुटा पाते, और ये मेरा इकलौता पुत्र है, अगर ये पूजा पाठ में लगा रहेगा तो फिर घर के कामों में हाथ कौन बटाए, घर कैसे चलेगा? जीवन ऐसे नहीं चलता महाराज। और फिर ये भी कोई उम्र है क्या भक्ति करने की? क्रीड़ा के समान हो गई है भक्ति इसके लिए, जो अब मैं नहीं चलने दूंगी। इसीलिए अब इस शिवलिंग को मेरे प्रांगण से हटना ही होगा। माता, ये संसार तो स्वयं महादेव का है, और महादेव तो समस्त संसार के हैं, फिर कैसे आप इस स्थान को अपना प्रांगण मान रही हैं? और माता, भक्ति का आयु से कोई भी नाता नहीं होता। यदि ऐसा होता तो भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव को बाल्यावस्था में ही भगवान के दर्शन नहीं हुए होते। ये शास्त्रों का ज्ञान बड़े राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ है साधु महाराज, हम निर्धनों के साथ ऐसा नहीं होता। ये शिक्षा प्राप्त करेगा, कुछ काम करेगा, तभी तो हमारा जीवन चलेगा। माता, आप सत्य कह रही हैं, इसकी आयु अभी शिक्षा प्राप्त करने की ही है, किंतु भक्ति के माध्यम से तो अतुलनीय ज्ञान के भंडार की प्राप्ति हो जाती है माता। किंतु शिक्षा भी तो मात्र धनाढ्यों के ही लिए है साधु महाराज, हम जैसे निर्धनों की संतान को कौन शिक्षा देगा? मैं दूंगा इसे शिक्षा। आपके पुत्र की भक्ति पर मुझे विश्वास है, मैं इसका गुरुदेव बनकर इसका मार्गदर्शन करूंगा। माता, आप मेरा विश्वास कीजिए, इसकी भक्ति सफल होते ही आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। माता, पिता ही अपने पुत्र को उचित मार्ग पर चलने का निर्देश देते हैं, किंतु भाग्य से आपके पुत्र ने स्वतः ही सर्वोचित भक्ति के मार्ग को चुना है। माता, आप इसे एक अवसर तो दीजिए। हाँ माँ, देखिए ना, ये भक्ति का ही तो चमत्कार है, जो बिना श्रम के मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हो रही है। ये बड़े ही ज्ञानी एवं तेजस्वी ऋषि प्रतीत होते हैं, मुझे इनका शिष्य बनने की अनुमति दीजिए माँ। उचित है, अगर इन ऋषिवर को इतना भरोसा है तो मैं और प्रतीक्षा कर लूंगी। देखती हूँ कब भगवान शिव मेरे पुत्र की भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे कष्टों को दूर करते हैं। गुरुदेव, आपने मेरे प्रभु को मुझसे दूर होने से बचा लिया, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए गुरुदेव। पुत्र, क्या नाम है तुम्हारा? ऋषिवर, मेरा कोई नाम नहीं है, जिसे जो मन में आता है मुझे उसी नाम से बुलाने लगता है। अब कदाचित आपके सानिध्य से मेरा जीवन परिवर्तित होने वाला है, अतः आप ही मुझे कोई नाम प्रदान कर दीजिए। तुम्हारे श्री मुख पर शंकर जी की भक्ति का तेज झलकता है, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे मन में एक ही नाम आ रहा है, श्रीकर। श्रीकर? गुरुदेव, अपने इस तुच्छ शिष्य श्रीकर के हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर भक्ति एवं ज्ञान के तेज से आलोकित कर दीजिए। श्रीकर, भगवान की भक्ति में समर्पण का भाव होना आवश्यक है, स्वयं को भुलाकर अपने इष्ट को पूर्णतया समर्पित होना पड़ता है,
अतः सब कुछ भुलाकर पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव जी का पूजन आरंभ करो। अब तुम एकाग्रचित होकर भगवान शिव में ध्यान लगाओ तथा शिव मंत्र का जाप करते हुए पूजन आरंभ करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंजनी सुत श्री कर निर्देशा किए शिव पूजन शिव अभिषेका। सुवासित चंदन लेप लगाए बेल पत्र अरु सुमन चढ़ाए। बहुत अच्छे श्रीकर, अब तुम शीघ्र ही भक्ति की पराकाष्ठा को स्पर्श कर लोगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्य है हनुमान जो स्वयं भक्ति के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचकर भगवान की श्रेणी प्राप्त कर चुके हैं और अब इस नन्हे भक्त को भी भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा रहे हैं। देवी, जिसे सच्चा गुरु मिल जाए उस शिष्य का उद्धार हो ही जाता है और फिर जिस पर हनुमान की कृपा हो जाए उसका तो बेड़ा पार होना निश्चित ही है। बालक शिव जपे दिन बिसराई, सो किंतु माता नहीं भाई। हनुमत जिस पे कृपा लावे सो भव सागर से तर जावे। हे विधाता, हे सौभाग्य माँ के भाग्य में इतने दुख क्यों लिख दिए हैं आप? पति ने साथ छोड़ दिया, एक पुत्र मिला वो भी किसी योग्य नहीं, दिन रात मात्र भक्ति में ही डूबा रहता है। हे प्रभु, इस दुखियारी की और कितनी परीक्षा लेंगे आप? ये सब क्या हो रहा है? स्वर्ण जड़ित पात्र और धन धान्य के भंडार कैसे हो रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब कैसे हो गया? क्या हो रहा है? ये मेरे पुत्र की भक्ति का चमत्कार है या फिर मेरे मन की कल्पना? कहीं मैं बावली तो नहीं हो गई? मेरी टूटी फूटी कुटिया भी स्वर्ण भवन बन गई? ये मेरे पुत्र की भक्ति का चमत्कार ही। नमः शिवाय, नमः शिवाय। इतनी तेज प्रकाश कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उठो पुत्र शीकर। प्रणाम भोले बाबा। प्रभु, सुना था आपके दर्शन के लिए वर्षों घोर तप करना पड़ता है, किंतु आपने तो मुझे इतने शीघ्र दर्शन दे दिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपने नेत्रों पर। पुत्र श्रीकर, जिसे सच्चे गुरु की कृपा मिल जाए ये उसी निष्ठा एवं भक्ति का फल है। तुमने अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण का भाव रखते हुए भक्ति की है, ये उसी निष्ठा एवं भक्ति का फल है। गुरुदेव, आपके निर्देश से ही मुझे मेरे भगवान के शीघ्र दर्शन हो पाए हैं। आपको कोटि कोटि नमन गुरुदेव। आप मेरे लिए गुरु ही नहीं भगवान हैं, जिन्होंने मुझे भगवान से मिलाया। पुत्र, गुरुदेव शिष्य के लिए
भगवान से भी महान होते हैं, क्योंकि वही प्रभु से मिलाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अब ये बताओ श्रीकर, इस श्रेष्ठ भक्ति के फल स्वरूप मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? प्रभु, निर्धन हूँ और निर्धन का सबसे बड़ा धन उसका संतोष होता है। अतः प्रभु, मुझे धन संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। मैं तो मात्र इतना ही चाहता हूँ कि जब तक ये जीवन है तब तक मेरे हृदय में आपके श्री चरणों की भक्ति बनी रहे, और जब मैं ये देह त्यागूं तो आपके नित्य धाम में मुझे निवास मिले। प्रभु श्रीकर, इसके लिए तुम्हें अपने गुरुदेव के चरणों की भक्ति करनी पड़ेगी पुत्र। इन्हीं की भक्ति से ही तुम्हें स्वतः ही तुम्हारा अभीष्ट प्राप्त होगा। तुम्हारे गुरुदेव भी श्रेष्ठम भक्त है, हनुमान है ये। हनुमान जी, मेरे गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव हनुमान जी। मेरे बड़े भाग्य जो स्वयं भगवान रुद्रांश ने मेरे गुरुदेव बनकर मुझे भगवान रुद्र से मिलाया। ये तुम्हारी निश्चल भक्ति का फल है पुत्र। अब तुम्हारे इच्छित वर के अनुसार मैं तुम्हें भगवान शिव के नित्य धाम में निवास का अधिकारी बनाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। श्रीकर, एक वरदान मैं तुम्हें अभी ही प्रदान करता हूँ। तुम यदुवंशी हो। यदु और उनके वंशजों को यदु के पिता ने निर्धनता श्राप दिया था। मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारा वंश सदैव पतन की ओर अग्रसर रहेगा, सदैव निर्धनता और पतन के अंधकार में घिरे रहेंगे। किंतु तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति ने उस श्राप का शमन कर दिया है। मेरा वरदान है तुम्हें, एक दिन तुम्हारे ही कुल में स्वयं भगवान नारायण ही अवतार लेंगे और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएंगे। हे प्रभु हनुमान, हे महादेव, आप दोनों की दया दृष्टि सदैव इस तुच्छ भक्त पर बनी रहे। इससे अधिक और कोई अभिलाषा नहीं है मेरी। आप दोनों की कृपा से मेरे कुल पर लगा हुआ श्राप मिट गया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। भविष्य में तुम्हारे कुल में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। प्रणाम मेरे प्रभु महादेव। प्रणाम महादेव। कल्याण हो श्रीकर, कल्याण मस्तु हनुमान। अपने चरणों की कृपा बनाए रखिए गुरुदेव। हनुमान जी, मुझे अपने पुत्र की भक्ति पर विश्वास नहीं था, किंतु आपने मेरे पुत्र के गुरुदेव बनकर इसका जीवन संवार दिया है। उद्धार कर दिया आपने मेरे पुत्र का। आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। कल्याण हो। त्रेता युग में प्रिय हनुमान ने नारायण अवतार श्री राम की जीवन भर सेवा की। अब इस द्वापर युग में हनुमान ने प्रभु नारायण के अवतार धारण करने से पूर्व ही उनकी सेवा आरंभ कर दी।